वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल किचन डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं ये हरे धनिए की चटनी के आलू। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनाए हैं हमने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये हम चटनी पीस रहे हैं। किसकी? हम बना रहे हैं हरे धनिए की चटनी के आलू। तो उसके लिए हम लहसुन, मिर्च और धनिए की चटनी पीस रहे हैं। तो अभी हमने इसमें नमक डाला, और अभी हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे जो हमने पहले से वॉश करके रखा है। तो इसे इस तरीके से कट करके डाल दीजिए आप, जिस तरह से हम डाल रहे हैं कट करके। और ये रेसिपी फ्रेंड्स बहुत अच्छी बनती है। चटनी के आलू झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जब आपके पास कुछ ना हो तो आप हरे धनिए की चटनी पीस लीजिए और आलू बना लीजिए, लगते भी बहुत टेस्टी हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और हमें चटनी पीस लेना है। तो ये जल्दी से पीस लेते हैं। कुकर रख लिया है। एक्चुअली हम तो ज़्यादातर काम इंडक्शन पे ही करते हैं, तो हम इंडक्शन पे बना रहे हैं। तो अभी हमने कुकर रख लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और अभी ऑयल हम थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें जो चटनी हमने पीस के रखी है वो डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी पीस के रेडी है। चटनी हमने बना ली है और अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करें तो अच्छे से फ्राई हो। तो ये देखिए, अभी हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अभी हम इसमें चटनी डाल देंगे। तो बस जल्दी से चटनी डाल दी है और जो जार है उसको भी अच्छी तरह से वॉश करके डाल देंगे, मीन्स अच्छी तरह से पानी से धो के। ये नहीं कि आप साबुन से धो के ही डाल दें, ऐसे भी नहीं वॉश करना है, पानी से धोना है, जिससे कि जो जार में जो भी चटनी लगी हो वो सब अच्छी तरह से डल जाए, जिससे कि नमक मिर्च कम ना हो, क्योंकि उसमें अंदाज तो हमारा सारा उसी में है ना, नमक मिर्च का। उसके बाद कुछ इस तरह की लग रही है और अब हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। हमने आलू छील के और कट करके वॉश कर लिया है अच्छे से। और ये देखिए, हमने कुछ इस साइज़ में कट किया है आलूओं को। मैं आपको और दिखा देती हूँ, दो चार उठा उठा के। इस तरह से हमने आलू को कट कर लिया है और अभी हम इसको, जब हमारी चटनी अच्छी तरह से तल जाएगी तब हम उसमें आलू डालेंगे। तो चटनी अभी कुछ इस स्टेज पे है। चटनी कुछ हद तक तल गई है और अब हम इस स्टेज पे इसमें आलू डाल देंगे, जिससे कि जब आलू, मतलब चटनी तलेगी जब तक आलू गल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें आलू डाल दिए हैं और अब हम इसे चला लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कैसे खदक आ रही है, तो हमें इसको बीच बीच में एक से दो बार चलाते रहना है। फ्रेंड्स, ये आलू भी अच्छी तरह से तल गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, इससे तरी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
और आप ये हरी धनिया की चटनी के आलू सर्दियों में बनाना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और अभी इस टाइम इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सर्दियों में क्या होता है, धनिया भी नया होता है और आलू भी नए होते हैं, तो वो दोनों चीज़ें साथ में कॉम्बिनेशन में इतनी अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हमने घी डाला तो तार आ गया है, देखिए तरी कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे जिससे कि आलू अच्छी तरह से गल जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथ में। तो देखिए हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी, ज़्यादा पतला मत कर दीजिएगा आप लोग। बस अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे, लिड बंद कर देंगे, और आप लोग चाहें तो आप भगोनी में भी बना सकते हैं। एक्चुअली अभी हम थोड़ा जल्दी में बना रहे हैं इसलिए हम कुकर में बना रहे हैं, और अभी हमें 2 सीटी आने तक आलूओं को अच्छे से गलाना है और फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो अब ये तो खुलने वाला नहीं है तो हम इसे इसी तरह से खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने टेस्टी आलू बने हैं, मज़ा ही आ जाएगा खा के। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, ये देखिए। बस अब हम इसको सर्व कर देंगे। इसके ऊपर हरा धनिया डालने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके अंदर ही इतना सारा हरा धनिया डाला हुआ है, तो ऊपर से क्या गार्निश करेंगे। और आप चाहें तो कर भी सकते हैं तो थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो बस अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये देखिए कितने यम्मी से बने हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।